प्रतिभा रानी ने गुप्त सूचना पर सोमवार की देर शाम चकाई एवं जमुई में चार निजी गोदामों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अरवा चावल बरामद किया है। इस संबंध में एसडीओ ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जमुई के बोधवन तलाव और खैरा रोड स्थित धर्मकांटा के पास तथा चकाई बाजार स्थित मारुति नंदन साह और राजकिशोर गुप्ता उर्फ राजा बाबू के निजी गोदाम पर भारी मात्रा में अरवा चावल स्टॉक करके रखा गया है, जिसके बाद एसडीओ द्वारा देर रात तक छापेमारी कर चारों अवैध गोडाउन को सील कर दिया गया। बताया जाता है कि जमुई में सील किया गया गोडाउन पवन साह और बालेश्वर मोदी का है। जमुई में पवन साह का गोडाउन, जो कि जमुई के खैरा रोड पर धर्मकांटा के पास नीमा में है, वहां से भारी मात्रा में अवैध अरवा चावल जब्त किया गया है, जिसकी गिनती आज मंगलवार को खैरा के आपूर्ति पदाधिकारी भगेराम शाह द्वारा कराई जा रही है, जबकि बालेश्वर मोदी के गोडाउन में भी काफी मात्रा में अरवा चावल बरामद हुआ है। वही चकाई में छापेमारी करते हुए वहां लगभग 300 पैकेट अरवा चावल बरामद किया गया। इस दौरान मारुति नंदन मौके से भाग निकला। वहीं एसडीओ ने चकाई थाना से सटे राजकिशोर गुप्ता उर्फ राजा बाबू के निजी गोदाम में छापेमारी कर वहां रखा लगभग 350 बोरा चावल जब्त किया है। एसडीओ ने बताया कि जब्त अरवा चावल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जब्त चावल भारतीय खाद्य निगम का पाया गया तो संबंधित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसडीओ द्वारा की गई इस कार्यवाही से पूरे जमुई जिले में अवैध रूप से सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिला था कि पीडीएस का जो अनाज होता है उसको बोरा बदल कर बाजार में बेचा जा रहा है, काला बाजार का। उसी के आलोक में यहाँ पे छापेमारी हुई है। सही में अनाज जो है वो पीडीएस का ही है, इसलिए अभी गोदाम तक कल रात में गोदाम को सील कर दिया गया था। अभी यहाँ से माल को घुमा कर निकलवाकर किसी के जरिए में तो इसमें हम किसी की अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है जो भी इसमें संलिप्त है? अरेस्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही हम लोग काउंटिंग करा लेते हैं हमें सही संख्या पता चल जाएगी, उसके अनुसार FIR ब्रॉड हो जाएगा। अभी कल चकाई में भी आपने जो ग्राउंड थे वहाँ पे किया, वहाँ पे क्या मामला था? वहाँ पे भी यही सेम मामला था। वहाँ पे भी जो भी सूचना मिली थी उसके रेट करके सही पाई गई, वहाँ पे भी FIR हुआ है। वो तो शायद उसका था जो आधार वगैरह कुछ चेंज वगैरह का मामला था, तो उसमें कौन था डीलर? डीलर का नाम नारायण गुप्ता कुछ ऐसे नाम, टैक्स अध्यक्ष है वहाँ के चकाई। उन्होंने किसी राशन कार्ड धारी के राशन कार्ड पे किसी अपने परिचित का आधार सिंक कर दिया और उसको भी राशन असली में जो लाभुक है उसको राशन नहीं मिल रहा है। उसी की जाँच के लिए गए थे तो वहाँ पे किसका असर गोदाम है? ये लोगों द्वारा बताया गया कि पवन साह का। तो जम्मू में सर दो ग्राउंड को सील किया गया है, एक तो ये है और दूसरा किनका है? एक पवन साह का है यहाँ पर जो अभी खड़े हैं, एक बुरबन तलाव थोड़ा सा आगे जगह है वो उसमें बालेश्वर मोदी उनका है। तो बाकी सर इन पे जो है साफ नहीं साफ नहीं आ रहा सर, सर ये माल का जो भी आकलन सर कुछ अंदाजा आपको होगा कि कितने की माल हो सकती है? नजर के सामने अभी नहीं आकलन, अभी काउंटिंग करेंगे तब पता चल जाएगा। आपका नाम सर? हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खैरा, मेरा नाम भागीरथ साह। हाँ ये भी है, ये भी आपका मामला नहीं है आयुष्मान गेहूँ बीज देखने रहे आयुष्मी आयुष्मान गेहूँ क्या
सब काले लिख दीजिए।